हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। AKTU की तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना है और ये जो सूचना है वो इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूचना आपके ऑट सेमेस्टर UG PG स्टूडेंट्स के जो इंटरनल और जो मार्क्स होते हैं, जो आपके इंटरनल प्रैक्टिकल होते हैं, उसके संबंध में सूचना है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, जब आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन चलते हैं, इसी बीच जो आपके कॉलेज की फैकल्टी होती है वो यूनिवर्सिटी के लॉगिन पर आपके इंटरनल मार्क्स को लोड करती है। इसी बीच लोड किए जाते हैं जब आपके एक्सटर्नल होते हैं, और एक्सटर्नल के थ्योरी के बाद जब आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं तो वो अलग से लोड किए जाते हैं। तो सूचना ये है कि उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि 2021 के विषम सेमेस्टर में आपके संस्था में पढ़ाए जा रहे UG PG के पाठ्यक्रमों के प्रैक्टिकल एवं सेशनल अंकों को विश्वविद्यालय की ERP लॉगिन के माध्यम से 22 मार्च 2021 तक प्रत्येक दिशा में प्रेषित या अपलोड करें, और उक्त सभी अंगों की हार्ड कॉपी को 26 मार्च तक साइन करके हमके कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें। उक्त तिथि के पश्चात पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और उसे पुनः खोलना संभव नहीं है। यह भी अवगत है कि अंकों की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य। किसी भी छात्र के अंकों में ऑनलाइन प्रेषण छूट जाने या किसी त्रुटि की अवस्था में हार्ड कॉपी में प्रदत्त अंकों को अंतिम माना जाएगा। देखिए, अगर किसी भी स्टूडेंट का इंटरनल एग्जामिनेशन ना हुआ हो, उसकी अटेंडेंस प्रॉब्लम हो, असाइनमेंट की प्रॉब्लम हो, इन सब के इंटरनल मार्क्स अगर ना लोड हुए हो आपके इंस्टीट्यूट में, आपने नहीं किया हो, कोई एब्सेंट हो रहा हो, तो प्लीज़ इस डेट के पहले अपने इंस्टीट्यूट से कंसल्ट करिए। और आपके जो भी इंटरनल मार्क्स, अगर आपने इंटरनल एग्जाम नहीं दिया है, आपने इंटरनल प्रैक्टिकल नहीं दिया है, तो वो सब करिए। अदरवाइज आप एब्सेंट काउंट कर दिए जाएंगे और आपका जो रिजल्ट में आपको फेल हो शो होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को पास करना जरूरी होता है, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा हुआ है। तो सभी AKTU के छात्रों से अनुरोध है कि वो अपने इंटरनल मार्क्स, अगर आपने नहीं कोई प्रैक्टिकल दिया है, एग्जाम नहीं दिया, तो अपने कॉलेज से कंसल्ट करके और अपने एग्जामिनेशन को दीजिए, अपनी अटेंडेंस को क्लियर करिए, अपने असाइनमेंट को क्लियर करिए और कॉलेज में उसकी एंट्री भी करा दीजिए। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ERP लॉगिन में 20 मार्च तक उसकी एंट्री होगी। लॉगिन में जो आपके फैकल्टी मेंबर होते हैं उनकी लॉगिन ID होती है, उस पर इसको लोड किया जाता है, और हार्ड कॉपी जो है वो 26 मार्च की होगी। तो AKTU से यही एक सर्कुलर था और ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, इसको बहुत सीरियस लीजिएगा। तो AKTU से यही लेटेस्ट अपडेट थी, और अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।